धन्यवाद सभापति महोदय। मैं रेल बजट के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। रेलवे जैसे आम भारतीयों की जीवन रेखा है और नेटवर्क के आकार की दृष्टि से भारतीय रेलवे का दुनिया में तीसरा स्थान है। यह बजट अब तक के रेल बजटों में पहला ऐसा बजट है जिसमें न यात्री किराया बढ़ाया है न नई ट्रेनों की घोषणाएं हुई है। 5 साल में 8.5 लाख करोड़ के निवेश का खाका, रेलवे को आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाने का विजन तथा मोदी जी के क्लीन इंडिया मेक इंडिया की अमिट छाप इसमें दिखाई देती है। यह बजट स्पीड स्केल सर्विस और सेफ्टी सभी को एक समान रूप से पटरी पर लाने वाला बजट है। इस बजट में 9 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। यह एनडीए सरकार का यह विजनरी बजट है। माननीय सभापति जी, एनडीए सरकार की नई सोच की पहल बड़ी झलक रेलवे ने दी है। रेल की राजनीति को धराशायी करते हुए बजट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर 5-6 महीने में होने वाले चुनावों से प्रभावित हुए बिना 5 साल में ठोस जमीन तैयार करने में जुट गई है। 30 साल में पहली बार स्पष्ट बहुमत से चुनकर आई मोदी सरकार ने रेलवे को राज्य की राजनीति से बाहर निकाले और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। तकनीकी विकास, पार्टनरशिप पर जोर, प्रबंधन में सुधार, संसाधन और मानव संसाधन, ग्रीन रेलवे तथा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया से सारी भर्तियों की तैयारी की है, जो रेलवे की माली हालत में सुधार का संकेत है। इस बजट में क्लीन इंडिया मेक इंडिया, डिजिटल इंडिया और ऊर्जा व पर्यावरण, जल संरक्षण, पर्यटन विकास व भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसे मिशनों की स्पष्ट छाप इस बजट में दिखाई दे रही है। ये शासन व्यवस्था तथा पारदर्शिता के मानक और आईटी विजन का अनावरण करने वाला बजट है। सभापति जी, पिछले 5 साल हम विपक्ष में रहे, आए दिन घोषणाएं होती रही, हर साल हम आस लगाए बैठते थे कि आज 1 साल के बाद कुछ मिलेगा, मगर 5 साल में हमें निराशा प्राप्त हुई। इस बजट में जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एहसाना में रेल मंत्री जी ने बड़ी कृपा की है। न्यू रेलवे लाइन मेहसाना हारिज राधनपुर, गांधीनगर प्रांतिज, कटोसन बाउचरा जी लाइन के लिए और अहमदाबाद मेहसाना के बीच जो अमान परिवर्तन एवं इंजीनियरिंग यातायात के लिए जो प्रावधान किए हैं इसके लिए, और विजापुर अमलियासन के जो रेलवे अनुदान दिया गया है सर्वेक्षण के लिए, उसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त लाल किले से किया हुआ भाषण सिर्फ भाषण नहीं था, लेकिन गांधी जी की स्वच्छता की सोच को आगे बढ़ाने वाला विजनरी कदम था। स्वच्छ रेलवे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्टेशनों से लेकर ट्रेन के भीतर तक की सफाई तथा 120 स्टेशनों की तुलना में आगामी वित्तीय वर्ष में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नए शौचालय का निर्माण करना तथा ट्रेनों में 17,328 नए शौचालय बनेंगे, साथ ही में वॉटर वेडिंग मिशन साफ सफाई के प्रयास में यह अहम कदम होगा जो पहले नहीं था। माननीय सभापति जी, IRCTC पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा देने की बात तथा नई खेती और विपणन तकनीक के बारे में किसानों की सहायता के लिए IRCTC एक विशेष किसान यात्रा योजना पर कार्य करने की बात सराहनीय है। आदरणीय सभापति जी, जैसे वरिष्ठ नागरिक तथा गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ, ऑनलाइन व्हीलचेयर की सुविधा, करेंसी से छुटकारा पाने के लिए स्मार्ट कार्ड, SMS अलर्ट, ई कैटरिंग और 2000 रेलवे स्टेशनों पर जो डिजिटल नेटवर्क के यात्रा का आरामदायक बनाया है, इसमें रेलवे मंत्रालय का सामाजिक अभिगम स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। स्वरोजगार के लिए सिर्फ बातें नहीं है, स्वरोजगार के लिए जैसे उनको बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः महिलाओं तथा युवाओं वाले जो स्व सहायता समूह है उनको तैयार किए गए उत्पादनों को बढ़ावा देने की ओर से इसके तहत रोजगार सृजित करने की योजना एक सराहनीय कदम है। मैं माननीय रेलवे मंत्री जी का आभार भी प्रकट करती हूँ। जैसे
भारतीय रेलवे के 10 मौजूदा गुड्स शेडों को अपग्रेड करना तथा जहां भारतीय रेलवे के पास जो सरप्लस भूमि है वहां 30 छोटे मल्टी लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने का जो प्रस्ताव है वो भी सराहनीय प्रस्ताव है। माननीय रेलवे मंत्री जी ने अपने बजट में यात्रियों की सुविधा के साथ साथ जैसे सौर ऊर्जा का महत्तम उपयोग कैसे किया जाए इसके तहत पर्यावरण का भी ख्याल रखा है और रेलवे की जमीन पर 1000 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा भी की गई है। माननीय सभापति जी, इस बजट में जैसे विजन और रोडमैप, एक मिनट दो मिनट में खत्म करती हूँ, दोनों ही इसमें दिखाई देते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जैसे कई सारी चीजें दी है और गुजरात में भी अभी उसने अभी उल्लेख किया गया माननीय सदस्य ने कि कई सारे चीजें दी है, मगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मैं बात रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जैसे मैंने मेहसाणा पारंगा वर्षों की पुरानी मीटर गेज लाइन है उस लाइन पर जैसे कॉपर सिटी विसनगर और प्रधानमंत्री जी का वो जन्मस्थली भी है और प्राचीन ऐतिहासिक वडनगर एक ऐतिहासिक नगरी है, तो मेरी विनती है कि जैसे 2011 के रेल बजट में आमान परिवर्तन के लिए 192 करोड़ रुपये आमंत्रित किए गए थे लेकिन आज तक इसमें कुछ प्रगति हुई नहीं है। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इनमें और अच्छे से प्रगति हो और जल्द से जल्द वो बजट का प्रावधान आप करें, इसी मेरी विनती है। और अंबाजी जो भारतवर्ष का बड़ा शक्ति स्थल है और गुजरात सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पास में पड़ते दाता तहसील में एक एयर स्ट्रिप बनाने के लिए भी बजट आवंटित किया है और उसके तहत कार्यवाही आगे बढ़ रही है। मेरी विनती है कि बैसाना तारंगा और तारंगा अंबाजी आबू रोड खेरब्रह्मा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए और गुजरात में सिर्फ उत्तर गुजरात ही ऐसा इलाका है जो मेरा मेहसाणा कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर गुजरात में है जिसमें पाटन पालनपुर मेहसाणा बनासकांठा चार जिले पड़ते हैं और 1.25 करोड़ की आबादी है लेकिन उनका सूरत मुंबई और दक्षिण भारत के अन्य स्थानों पर आवागमन के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मेरी मंत्री जी से विनती है कि वो भी आगामी दिनों में हमें ये सीधी ट्रेन की सुविधा भी मिले और मेरी थोड़ी जो यहाँ पे सुझाव भी मेरे हैं और थोड़ी एक दो मांग है और मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि जैसे पिछली बार 3000 छोटे स्टेशनों को कम टिकट बिक्रे वाले लोकल पैसेंजर स्टेशनों को बंद कर दिया गया था और जनता रेल सुविधा से बिल्कुल वंचित हो गई है, तो मेरी विनती है कि उनकी पुनः समीक्षा भी की जानी चाहिए और गुजरात के सभी धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर जैसे बहुचराजी तथा स्थलों पर पूनम स्पेशल ट्रेन जो चलती थी वो पुनः कार्यान्वित हो। इस विकास की पटरी पर जो रेल उतर गई थी उनको विकास की पटरी पर पुनः प्रस्तावित करने का विजनरी प्रयास रेल मंत्री जी ने किया है, उनकी सराहना करती हूँ और मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद।